सो गाइस फाइनली हमने जवाई डैम विजिट कर लिया है एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस बिकॉज लेट मी टेल यू जवाई डैम इज द बिगेस्ट मैन मेड डैम इन राजस्थान ओके इन वेस्टर्न राजस्थान आई मस्ट से और ये लगभग 13 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर करता है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट 7,800 मिलियन क्यूबिक फिट के आसपास है तो इस हिसाब से बहुत ही शानदार और बड़ा डैम बन जाता है मैन मेड तो जोधपुर से जवाई डैम ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर्स है और अगर इसका टाइम आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स का आता है तो हमने थोड़ा सा बीच में ब्रेक वगैरह भी लिया था और थोड़ा सा रेस्ट भी किया था बिकॉज बाइक पे कंटिन्यू ट्रैवल नहीं कर सकते तो उस हिसाब से ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास हम यहाँ पहुँच चुके थे तो आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो डू मेक श्योर कि आप विंटर्स में ही आएँ यहाँ पर क्योंकि राजस्थान के अंदर गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही रहती है टेम्परेचर हाई रहता है जैसे अभी विंटर्स चल रहा है बट इट इज़ जनवरी नो सॉरी इट इज़ फेब इट्स फैब स्टार्टिंग है ना तो अभी भी थोड़ी सी गर्मी है थोड़ा सा आपको टेम्परेचर यहाँ पर फील होगा दिन के टाइम में बट अगर आप इफ़ यू मेक श्योर कि आप दिसंबर और जनवरी के अंदर यहाँ पर आ रहे हैं तो इट इज़ दी बेस्ट थिंग टू विजिट एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ही शानदार जगह है सो तो थोड़ी सी गर्मी थी इसलिए हमने जवाई डैम से निकलते टाइम गेट के बाहर पिया लेमन सोडा और लेमन सोडा वाले ने हमें बताया कि यहाँ पास में हवा महल भी है तो हमने सोचा क्यों ना उसको भी देखा जाए तो हम चल दिए हवा महल की तरफ पर वहाँ जाने का रास्ता आसान नहीं है हमें इस नैरो ब्रिज से होते हुए जाना पड़ रहा है जो कि एक ओल्ड स्टाइल नैरो ब्रिज है और वाकई में इसके ऊपर से निकलते टाइम ये खड़खड़ बज रहा था बट आफ्टर ऑल काफ़ी मज़ा आ रहा है और इस ब्रिज पर से निकलते हुए जो व्यू मिल रहा है हमको आसपास का वो भी बहुत शानदार है और वो जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ना वो यहाँ पहुँचने के बाद ही मिल सकता है एक बार तो यहाँ आना बनता है ओ लुक एट दैट मैसिव माउंटेन स्टैंडिंग अपराइट स्ट्रेट टचिंग द स्काई मतलब क्या गजब का व्यू है ऐसा लग रहा है जैसे किसी हॉलीवुड मूवी के या बॉलीवुड मूवी के सेट पर चल रहा हूँ मैं दोनों तरफ खाई है बीच में ब्रिज है और बस शूटिंग चल रही है और सामने गजब का पहाड़ है भाई साहब ये व्यू तो आपकी राइड का मतलब आपका दिन बना देता है या आपकी राइड को यहाँ आना वर्दी कर देता है वाकई में तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं यहाँ हम सर्कल से लेंगे राइट और यहाँ हाँ जवाई लिखा हुआ है चलो देखते हैं यहाँ पर ये शायद एंट्रेंस है उसकी और सामने वही माउंटेन मतलब यहाँ पर तो हर जगह आपको ऐसे पहाड़ वहाड़ तो दिखेंगे बट वाई वी हैव केम हियर इज़ फॉर हवा महल तो देखें यार अभी तक हवा महल जैसा हाँ सामने कुछ स्ट्रक्चर दिख तो रहा है एक बाउंड्री वॉल सी चलो थोड़ा अरे वो दिख रहा ना वो रहा हवा महल वहाँ पर ग्रेट तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हवा महल पर अब देखना है ये जाने का रास्ता कहां से है क्योंकि उसने हमको बोला था कि डायरेक्ट बाइक पर ओके कूल यहां से जाना है हम लोगों को ना ऐसा लग रहा है किसी जंगल में से निकल रहे हैं अभी शेर सामने आ जाएगा तो यहां से चलते हुए अब ये लग तो रहा है ये ऊपर जाने का रास्ता तो यही लग रहा है चलो बाइक ले लेते ओ भाई साहब ये तो गजब की चढ़ाई है फर्स्ट गियर में बाइक ऊपर लेनी पड़ रही है ऊपर से कंक्रीट वगैरह और है बट एनीवेज मज़ा बहुत आ रहा है मतलब ये राइड पे है ना सब चीज़ मिल गई हमें पहाड़ी पे भी चढ़ा ली हमने ठीक है ना अप हिल डाउन द हिल भी हो जाएगा जाते टाइम सामने से भी एक बुलेट वाला आ रहा है ओके कूल तो हम फाइनली टॉप पर पहुंच गए यहाँ पर भी और साइड में देखो क्या गजब का व्यू है तो अभी हम लोग यहाँ से इस रास्ते से ऊपर चढ़ते हुए बाइक लेकर आए हैं किस लिए ये व्यू तो आपने देख ही लिया था ये हमने डैम के ऊपर से लिया था बट अभी बेसिकली हम देखने के लिए जो चीज़ आए हैं वो ये हवा महल कि ये जो शेर की स्टैचू बना रखी हैं और जो डेकोरेशन इसमें दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है बेसिकली चौधरी ढाबा होता है या फिर ये हो जाता है अलग अलग नाम जो होता है शर्मा का ढाबा हो गया
पूरा वही चौक है ना ये हमको इंटरेस्टिंग सा लगा। काफ़ी भीड़ भी थी यहाँ पर, ये देखते आ रहे थे कि भाई हाईवे पे गए अभी तो अच्छा लगा, लेकिन जहाँ पर बाहर भी पड़ रही मतलब वहाँ पर फ्रेश भी मिल जाएगा, अच्छा भी मिलता होगा इसलिए क्योंकि लोग जानते हैं। तो हम रुक गए बेसिकली पूरा भाई शॉपिंग हफ्ते के ऊपर खड़ा करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को पसंद आई ना उसमें मैं आप लोगों को देखते हैं देखते सब लोग खा रहे थे कलरफुल और डेकोरेटिव तो ये है मसाला किचन। जैसे आप लोगों ने मसाला पाउडर तो खाया होगा ना, ये मसाला किचन है और इसके साथ में हमने ऑर्डर कर दिया है पनीर टिक्का मसाला और प्लेन रोटी। और क्योंकि दिन का टाइम है तो गर्मी भी हुई है तो छाछ तो ये इसको स्टार्ट करता है और फिर देखते हैं कि इसका कैसा टेस्ट है। हालाँकि है मसाला पाउडर वाली चीज़ एरिया में एक बहुत टेस्टी होता है। बेसिकली कम्प्लीट है इसमें टमाटर है प्याज है थोड़ी सी मिट्टी डाली हुई है गिर गया टमाटर है प्याज है थोड़ी सी नमकीन वगैरह डाली हुई है चाट मसाला है और धनिया डाला हुआ है विच इज़ वेरी बहुत टेस्टी है। कॉम्प्लीमेंट्री पानी का जब सैलेड खाना भी आ चुका है ये है हमारी पनीर टिक्का मसाला की सब्जी और मैं इनकी रोटी की भी साइज़ देखूँ। ये रोटी की साइज़ जो हमारे नॉर्मल घर की रोटी होती है वो साइज़ रोटी की साइज़ भी अलग है तगड़ी। अच्छा ये रोटी आ गई जो मैं कह रहा था ये किस चीज़ की रोटी है ये देखो ये रोटी की साइज़ है हमारे घर की क्या इसकी आधी होती है इतनी सी ये पूरी रोटी की साइज़ है ये तो बड़ा खराब प्लेन रोटी आ चुकी है सब्जी बड़ी इंटरेस्टिंग रोटी है ये थोड़ा दानेदार सा है अगर उसमें दिख पा रहा हूँ थोड़ा दानेदार सा रोटी है और ये अच्छी है हमारी छाछ छाछ का भी दानेदार लग रही है तो मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने प्लेटिंग कर ली अपनी सब्जी की रोटी की छाछ विल टेक द साइड लेकिन काफ़ी बैलेंस मतलब आगे का जो होता है ना खटखंड मसाले डाल दिए वो वाली चीज़ नहीं है इसमें मसाले बैलेंस थोड़ा सा खटका ज़रूरत थी नींबू डालने की थोड़ा सा प्याज गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा ये हो गया तो टेस्टी है। खा लिया है खाना हर पेट बिल्कुल जम के खा लिया है तो आपको दिखा देता हूँ मैं जिस ढाबे की बात कर रहा था ये है पूरा भाई चौधरी हाईवे ढाबा है ना हिंदू शुद्ध शाकाहारी। तो आप अगर इस रूट पर आ रहे हैं जोधपुर टू अहमदाबाद वगैरह या फिर मोमटॉप कहीं भी जा रहे हैं जयपुर से भी आ रहे हैं तो एक बार यहाँ पे आप खाना ट्राई कर सकते हैं बहुत ही शानदार खाना है। अब मैं आपको बता देता हूँ देखो हमने तीन रोटी ऑर्डर की थी जो इनकी लार्ज साइज़ रोटी होती है तीन ही बहुत ज़्यादा थी हम दो जने तीन रोटी इन मोर देन ठीक है ना। एक हमने यहाँ पर ऑर्डर की थी पनीर टिक्का की सब्ज़ी और दो छाछ ऑर्डर की थी हमने और एक खींचा मसाला पापड़ ऑर्डर किया था इससे हमने ये सारी चीज़ें ऑर्डर की और ये भर पेट था हमारे लिए बहुत मोर देन सफिशियंट हो रहा था हमारे लिए और हमारा टोटल बिल बना था 350 रुपीज़ प्लस एड ऑन हमने एक पानी की बोतल ले ली तो इसका हो गया 370 रुपीज़। तो देखो
टेस्टी खाना, बैलेंस्ड, स्पाइसी नहीं ज़्यादा, अच्छा बिल्कुल नॉमिनल और फ्रेश खाना आपको मिल जाएगा यहाँ पर। मैं इतने सारे ढाबे देखते हुए आया था पर मैं इस पे ही रुका। दिस वॉज अ रैंडम पिकअप, मैं यहाँ पहले नहीं आया हूँ, पहली बार ही आया। मैंने देखा काफ़ी सारी कार वार खड़ी है, भीड़ है, तो चलो चल के ट्राई करते हैं। एंड इट वॉज वर्थी। तो आप भी अगर आ रहे हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब हम जोधपुर की तरफ निकल रहे हैं, फिलहाल हो रहा है लगभग 3:30 और मुझे उम्मीद है कि हम लोग 6 बजे तक जोधपुर पहुँच जाएंगे। तो अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए रुके हैं। वी आर एट अ फ्यूल स्टेशन, ये इंडियन ऑयल का फ्यूल स्टेशन है और थोड़ा रेस्ट रूम वगैरह यूज़ करने के लिए। मेरे को लगा कि भाई ये जगह काफ़ी अच्छी है, मेरे पीछे देख पा रहे हो इतना अच्छा और साफ़ सुथरा डेकोरेटिव सा रेस्ट रूम बना हुआ है। तो क्या है, खाना खाने के बाद और छाछ पीने के बाद थोड़ी सी नींद आ रही थी, तो अच्छा है मैंने यहाँ पर थोड़ा हॉल्ट ले लिया। अब यहाँ पर थोड़ा मुँह वो धोएंगे, थोड़ा सा कमर को सीधा करेंगे और वापस से निकल लेंगे राइड के लिए। तो ठंडे ठंडे पानी से हाथ मुँह धो के बिल्कुल चमक गए हम लोग और नींद उड़ गई है और थोड़ा सा रेस्ट मिल गया है एल्टोरो को भी। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे, अभी फ़िलहाल बज गए हैं 5, तो थोड़ा सा शायद हम स्केड्यूल में पीछे चल रहे हैं। 7 बजे तक पहुँचेंगे हम लोग जोधपुर। तो अब हो चुकी है शाम और मैं अपना हेलमेट उतारने के मूड में नहीं हूँ, मैं घर जाके बस सोना चाहता हूँ, मतलब रेस्ट करना चाहता हूँ। तो फाइनली एट दी लास्ट, आप देख सकते हो मेरे बीच मैं कहाँ पे आया हूँ, मैं स्वीट शॉप पे आया हूँ, स्वीट शॉप पे आ रखा हूँ थोड़ी सी मिठाई लेने के लिए, क्योंकि दिन का अंत करेंगे हम मीठे के साथ। तो मैं यहाँ पदम जी स्वीट्स पर आया हूँ जो काफ़ी फेमस है। ये जब आप जोधपुर में एंटर ही करते हैं ना पाली रोड से, तो आपको झालावन सर्कल के यहाँ मिलती है पदम जी स्वीट्स, काफ़ी फेमस दुकान है, बहुत पुरानी भी है और काफ़ी बढ़िया है। तो हम यहाँ से लेंगे अपना पार्सल और फिर हम चलेंगे घर और उसके बाद हम करेंगे इस वीडियो को एंड।